तुर्की में महिला अधिकारों की सालों की जंग पर कट्टरपंथी ताकतों से प्रभावित राष्ट्रपति एर्दोगान के एक फैसले ने झटके भर में पानी फेर दिया है। महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए लगभग 10 साल पहले तुर्की के इस्तांबुल में यूरोपियन काउंसिल की अगुवाई में एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इसे इस्तांबुल कन्वेंशन कहा गया। लेकिन अब राष्ट्रपति रसब तैयब एर्दोगान ने महिला अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले इस समझौते से रातों रात बाहर आने का फैसला किया। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका और मैं आपको बताने जा रही हूं कि इस्तांबुल कन्वेंशन क्या था, रसब तैयब एर्दोगान इससे क्यों डर गए और इसे लेकर किस तरह की बातें हो रही थी। ऐसा लगता है कि यूरोपियन यूनियन में शामिल होने में नाकाम रहने के बाद तुर्की बौखला गया है। यूरोपियन काउंसिल की सेक्रेटरी जनरल मारिसा पेज़निनोविक बुरीक ने तुर्की के इस फैसले को भयानक तरह से बर्बाद करने वाला बताया है। उन्होंने कहा, तुर्की के इस कदम से तुर्की, यूरोप और बाकी दुनिया में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। तुर्की में महिलाओं के अधिकार पर काम करने वाले संगठन इस फैसले से बेहद गुस्से में हैं। घरेलू हिंसा से लड़ने के लिए इस समझौते को तुर्की में अहम बताया जा रहा था। एर्दोगान के इस फैसले के बाद इस्तांबुल में सैकड़ों महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस्तांबुल कन्वेंशन न केवल महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार की वकालत करता है बल्कि महिलाओं पर जेंडर आधारित हिंसा को भी रोकता है, पीड़िताओं को न्याय दिलाता है और इसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वालों को सजा देने का भी प्रावधान है। लेकिन एर्दोगान को कट्टर इस्लामिक विचारधारा के लोगों से लगातार सलाह मिल रही थी कि इससे तुर्की में तलाक बढ़ रहे हैं और परिवार के पारंपरिक मूल्यों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इस्तांबुल कन्वेंशन को तुर्की में खत्म किए जाने से गुस्साई डिलान एक्यूज कहती हैं। आपको बता दें कि तुर्की में महिलाओं पर हिंसा को रोकने वाले संगठन वी विल स्टॉप फेमिसाइड प्लेटफॉर्म के अनुसार इस साल की शुरुआत से ही अब तक तुर्की में लगभग 77 महिलाओं की घरेलू हिंसा से मौत हो चुकी है और 2020 में लगभग 409 महिलाओं की हत्या हो गई थी और दर्जनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। एक तरफ तुर्की में महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं बढ़ने की खबर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने वाले इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर निकलने के फैसले पर, एर्दोगान के फैसले पर पूरी दुनिया हैरान है। आइए देखते हैं कि ये इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है। 11 मई 2011 को तुर्की के इस्तांबुल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू हिंसा को रोकने और उससे लड़ने के लिए यूरोपियन काउंसिल का इस्तांबुल में एक सम्मेलन हुआ। इसमें महिलाओं के मानवाधिकार को सुनिश्चित करने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य था हिंसा की रोकथाम, पीड़िताओं की सुरक्षा और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को सजा दिलवाना। 12 मार्च 2012 को सबसे पहले तुर्की ने इसे मान्यता दी। 1 अगस्त 2014 से ये लागू हुआ, जिसके बाद मार्च 2019 तक 45 देश और यूरोपियन यूनियन इस पर हस्ताक्षर कर चुके थे। आइए अब देखते हैं कि इस इस्तांबुल कन्वेंशन में ऐसा क्या लिखा है जिससे खफा होकर तुर्की के रसब तैयब एर्दोगान ने इससे बाहर आने का फैसला किया। आइए अब जानते हैं कि इस्तांबुल कन्वेंशन में आखिरकार लिखा क्या था। इस्तांबुल कन्वेंशन महिला अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला ऐसा पहला उपाय रहा जिसमें महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए कानूनी जिम्मेदारी तय की गई। इसके 12 चैप्टर्स के 81 आर्टिकल्स में कहा गया कि इसमें शामिल देशों को महिलाओं के प्रति हिंसा, पीड़ितों की रक्षा और इसके आरोपियों पर मुकदमे के दौरान दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। जेंडर को परिभाषित किया गया। कहा गया कि पुरुषों और महिलाओं की सामाजिक तौर पर उचित समझे जाने वाली भूमिकाएं, गतिविधियां और व्यवहार ही जेंडर निर्धारित करती हैं। इसमें मानसिक हिंसा, पीछा करना, शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, रेप या फिर सहमति के बगैर की गई यौन हरकतें, जबरन शादी, महिलाओं का खतना, जबरन गर्भपात या बांझ बनाने को भी हिंसा की श्रेणी में रखा गया। साथ ही इस्तांबुल कन्वेंशन में इज्जत के नाम पर किए गए अपराधों को रोकने के लिए भी कानून बनाने की वकालत की गई। इस्तांबुल कन्वेंशन में की गई थी निगरानी की व्यवस्था। इस्तांबुल कन्वेंशन में एक निगरानी की भी व्यवस्था थी कि इसमें शामिल देशों की ये भी निगरानी की जानी थी कि ये देश क्या इस समझौते की शर्तों को सही तरीके से अपने देश में लागू कर रहे हैं या नहीं।
इस्तांबुल कन्वेंशन में कानून बनाने के साथ ही एक्सपर्ट्स की एक स्वतंत्र बॉडी बनाना भी जरूरी था। इसे ग्रीवो यानी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन एक्शन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस कहा गया था। इसका काम था ये देखना कि इसमें शामिल देशों में समझौते की शर्तों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। इसी ग्रीवो की तरफ से तुर्की की काफी शिकायतें मिल रही थीं और तुर्की पर महिला अधिकारों पर सख्त कदम उठाने का दबाव भी बढ़ रहा था, जिसके बाद तुर्की के गृह मंत्री ने इन खबरों को गलत बताया था और अब तुर्की इस ट्रीटी से ही बाहर निकल आया है। इस ट्रीटी के आलोचकों का कहना है कि ये होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ाती है और ये पश्चिमी यूरोपीय देशों के रहन सहन को थोपती है। बुल्गारिया, स्लोवाकिया और पोलैंड में भी इस्तांबुल ट्रीटी का विरोध हो रहा था और अब जहां पर ये ट्रीटी की शुरुआत हुई, इसी इस्तांबुल में जहां पे तुर्की में इस ट्रीटी की शुरुआत हुई, तो अब तुर्की ही इस ट्रीटी से बाहर आ गया है। काउंसिल ऑफ यूरोप ने 2018 में कहा था कि इस्तांबुल ट्रीटी के साफ लक्ष्य होने के बावजूद ये साफ है कि कई धार्मिक और रूढ़िवादी समूह इस्तांबुल कन्वेंशन के खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं। इस प्रेस रिलीज के 3 साल बाद अब तुर्की इस्तांबुल कन्वेंशन से पूरी तरह से बाहर हो गया है। तुर्की का कहना है कि उसके अपने संविधान में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काफी नियम हैं, लेकिन तुर्की में मानवाधिकारों पर काम करने वाले संगठनों का कहना है कि इस्तांबुल कन्वेंशन से तुर्की के बाहर आने के बाद तुर्की में रेप और महिलाओं के प्रति हिंसा के मामले बढ़ने जा रहे हैं।